अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, ओके अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेबिनार। एज यू नो द इंडक्शन फॉर सेशन जनवरी 2022 इज़ इन प्रोग्रेस एंड ऑल ऑफ यू हैव अप्लाइड फॉर दैट एंड द मेरिट लिस्ट इज अपलोडेड एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। And that is, you have to give your preferences and choices regarding your slot allocation. Okay, let's start with that. अभी तक जो कुछ हो चुका है वो आप सबको मालूम है, आपकी मेरिट लिस्ट अपलोड हो गई है, आप सब लोगों ने अपनी मेरिट लिस्ट देख ली होगी। और अभी भी मेरे पास लोग आज भी आए कि उनका मेरिट एग्रीगेट में फ़र्क है एंड दे थिंक कि इनका मेरिट एग्रीगेट ज़्यादा बनता है और मेरिट लिस्ट में कम बनाया गया है। तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप इंडक्शन पॉलिसी को जो शुरू से आपसे कहा गया था कि आप उसे पढ़ें, आपने नहीं पढ़ा और इस वजह से अभी आपको समझ नहीं आ रही। इंडक्शन पॉलिसी को दोबारा पढ़ लें, उसके अंदर एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने का जो मेथड है उस पर कैलकुलेट करें तो वही आएगा जो मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका स्लॉट एलोकेशन का। इस वक्त जो स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी स्लॉट्स हमने इस पोर्टल में एंटर कर दी हैं एंड यू कैन चूज स्लॉट्स आउट ऑफ दैट। और ये मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्लॉट्स इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंस्टीट्यूट ने कोई स्लॉट हमें नहीं दी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में तो ऐसा नहीं है लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात उनका कोई यूनिट नहीं रिकग्नाइज होता या उनकी मैनेजमेंट किसी स्लॉट को देने में उनको कोई प्रॉब्लम होता है या सुपरवाइज़र विलिंग नहीं होता या मौजूद नहीं होता। तो ऐसा भी हो जाता है कि एक स्लॉट इस वक्त अवेलेबल नहीं है और वो हम इस पोर्टल में ऐड नहीं करते, लेकिन एट लेटर स्टेज, एट एनी स्टेज अगर स्लॉट्स अवेलेबल हो जाता है तो बिफोर द स्लॉट एलोकेशन अगर अवेलेबल होता है तो फिर तो हम इसमें डाल देते हैं। और अगर उसके बाद अवेलेबल होता है तो उस केस में ये प्रिंसिपल है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जो स्लॉट बाद में अवेलेबल होंगे, फॉर एनी रीज़न इफ स्लॉट इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट एंड इट बिकम अवेलेबल लेटर ऑन, से एंड ऑफ दिसंबर, स्टार्ट ऑफ जनवरी, एंड ऑफ जनवरी, इफ बिकम अवेलेबल बिफोर द पोर्टल क्लोजर, आरटीएमसी पोर्टल बाय सीटीएसपी जो है उसके बंद होने से पहले स्लॉट अवेलेबल हो जाती है तो वो हम अनाउंस कर देते हैं। लेकिन जो लोग स्लॉट ले चुके होते हैं, जिनको स्लॉट अलाट हो चुका होता है, वो सारा प्रोसेस रिवर्स नहीं होता, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अवेलेबल होती है जो लेफ्ट ओवर होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि आपका स्लॉट एलोकेशन का प्रोसेस होगा
और जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं वो आपको अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइसेस दे देंगे, उसके मुताबिक आपको स्लॉट अलाट हो जाएगा एज़ पर योर मेरिट। उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम भी देंगे पर रीथॉट कि आप अगर स्लॉट सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर कर लें, और अगर आप सरेंडर नहीं करते तो उस सूरत में वो स्लॉट आपको अलाट हो जाएगा। इससे पहले आपको ये भी चॉइस हासिल है, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको, कि आप चाहें तो एक स्लॉट जो आप नहीं लेना चाहते, से बीए खान में एक बंदा नहीं जाना चाहता तो बीए खान के स्लॉट के आगे वो ज़ीरो लिख देगा तो वो स्लॉट उसका अलाट नहीं होगा। लेकिन अगर एक दफ़ा एक स्लॉट आपको अलाट हो जाए, फिर आपको थोड़ा सा टाइम देंगे जो आप सरेंडर कर लें। अगर आप सरेंडर नहीं करते और स्लॉट आपको अलाट हो जाता है, तो स्लॉट अलाट होने के बाद फिर अगर आप उस स्लॉट को ज्वाइन करें या ज्वाइन न करें, दोनों सूरतों में आप इस जनवरी सेशन में कोई दूसरा स्लॉट आपको अलाट नहीं होगा। इससे जो नेक्स्ट सेशन है जुलाई का, उसमें आप इंडक्शन के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप फिर नेक्स्ट जनवरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें। मैं थोड़ा सा ये बात इसलिए मैंने शुरू की ताकि अटेंडेंस अच्छी हो जाए, तो फिर हम जो प्रॉपर पोर्टल है मैं उसकी तरफ आ जाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल फॉर ऑनलाइन पोर्टल टू गिव चॉइसेस एंड योर प्रेफरेंसेस फॉर स्लॉट एलोकेशन। तो इसके लिए देखिए, तो आप जो हैं इसका सिंपल तरीका है, पीजीएमआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे। पीजीएमआई की वेबसाइट के ऊपर ये लॉगिन का बटन है जिससे आप पहले भी लॉगिन हुए थे, इसी से आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। और इस पेज के ऊपर आपने काम करना है, सीएनआईसी आपने अपना सीएनआईसी डालना है। सीएनआईसी जी 544-00-64-64-63-18। फिर आपने अपना पासवर्ड डालना है और इसके बाद आप लॉग इन करेंगे। ठीक नहीं है, फाइव 544-544-00-64-64-63-18। पासवर्ड क्या है? ये अब आपका पोर्टल खुल गया है और यह एक डमी पोर्टल है और ये डेमो के लिए बनाया हुआ है। तो ये डेंटिस्ट्री के एक एप्लीकेंट का डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड के ऊपर आप जो है प्रेफरेंसेस सिलेक्शन का वो जो है बटन है, और यहाँ पे देखें
ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ, इफ़ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। तो जो जो बंदा आप में से स्लॉट एलोकेशन के प्रोसेस में नहीं शामिल होना चाहता, मसलन दो ऐसे लोग जिन्होंने दो दो एप्लीकेशंस जमा की हुई हैं, तो वो दोनों एप्लीकेशंस के ऊपर वैसे हमने वो इनएक्टिव भी कर देंगे, उन्होंने हमें अपनी चॉइस दे दी है कि वो किस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जिन लोगों के एक से ज़्यादा पार्ट वन हुए, यानी सर्जरी में भी किया है, मेडिसिन भी किया है, तो दे हैव टू ऑप्ट वन एंड दे हैव टू सरेंडर अदर एट दिस स्टेज। अगर वो दोनों स्लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी दोनों एप्लीकेशन एट ए लेटर स्टेज कैंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए जो स्लॉट आप जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते वो इस स्टेज के ऊपर अगर कुछ ना करें तो उनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, और जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन ये प्रेफरेंसेस नहीं देंगे तो उनकी भी एप्लीकेशन इससे आगे नहीं चलेगी, मतलब स्लॉट एलोकेशन नहीं होगा। तो इसलिए, और ये आपके लिए एक स्टेटमेंट है, इट गिव्स यू अलर्ट दैट यू हैव नॉट सबमिटेड अप टिल नाउ। तो प्रेफरेंसेस सबमिट करने के लिए यू विल गो टू प्रेफरेंसेस सिलेक्शन, तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अब इस पेज को देखें, इसके ऊपर आपका नाम और आपका CNSE नंबर है, और फिर लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस बाय पुटिंग 1 to 11, एंड इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू ऑप्ट ए यूनिट राइट 0 इन द प्रेफरेंस चॉइस बॉक्स। इसका मतलब यह है कि अगर एक स्लॉट आपने नहीं लेनी, यानी आप अपनी इंडक्शन छोड़ सकते हैं लेकिन वो स्लॉट आपने नहीं लेना। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि एक ट्रेनी है, एप्लीकेंट है, वो कहते हैं मैंने DI खान नहीं जाना फॉर सर्टन रीज़न, तो वो DI खान के स्लॉट्स पे 0 लिखेगा। तो ये आपने बहुत ख्याल से लिखना है, दिस इज़ अ टाइम कि अगर आपने जो स्लॉट नहीं लेना उस पर 0 लिखते हैं। एक दफ़ा आपने कोई नंबर उस पर लिख दिया, वो स्लॉट आपको अलाट हुआ, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर लोग बाद में कहते हैं कि जी मेरा तो मैं नहीं ये लेना चाहता था, मैंने तो वैसे ही लिख दिया था। तो बात ये, जो आप लिखेंगे वही कुछ होगा और देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अच्छा, अब इसमें डेंटिस्ट्री का है, डेंटिस्ट्री की ये 5 स्पेशलिटीज़ हैं, और 5 स्पेशलिटीज़ में डिफरेंट यूनिट्स हैं, और वो उसको आप कर सकता है। 1 to 11 जो है, बेसिकली जितने यूनिट्स होते हैं उसका फिगर उसने दिया होता है। जैसे ये 6 यूनिट्स हैं, प्रोस्टोडॉन्टिक्स में 2 यूनिट्स हैं, 8 हो गए, 9, और पेरिडोंटोलॉजी का 1 यूनिट 10, और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के 1 यूनिट 11 हो गए। तो ये 11 यूनिट्स हैं, इसके मुताबिक यहाँ पे 1 to 11 की आपके गाइडलाइन दी गई है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इसमें से कितने यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, तो इसमें मेरी चॉइस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू गो टू KCD, तो KCD इज़ माई फर्स्ट चॉइस 1, और उसके बाद मेरी सेकंड चॉइस जो है वो ये है कि मैं ऑर्थोडॉन्टिक्स में KCD में जाऊं, तो दैट इज़ 2, एंड देन माय थर्ड चॉइस इज़ कि पेरिडोंटोलॉजी में KCD में मेरी थर्ड चॉइस है। अगर मुझे ये नहीं मिलता तो देन आई थिंक कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में मुझे दूसरा जो है अयूब में मेरी चॉइस है, नंबर याद रखता हूँ 4, और CMH इज़ माय फिफ्थ चॉइस, लीडिंग हॉस्पिटल इज़ माय सिक्स चॉइस, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स माय सेवन्थ चॉइस, और मर्दान MMC इज़ माय एट चॉइस। और इसके बाद मेरे पास ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में स्लॉट है एक, आई से कि मैंने ऑपरेटिव में नहीं जाना, 0, और पेरिडोंटोलॉजी में मैं दे चुका हूँ, ऑर्थोडॉन्टिक्स में मैं दे चुका हूँ,
प्रोस्टाग्राम्स में मैंने दे दी है, और अब मैंने ये एक स्लॉट नहीं दिया और मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मुझे मैसेज देगा कि प्लीज़ कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड चॉइसेस। तो एक्चुअली जब तक मैं इसको फिल नहीं करूँगा, आइदर हैव टू पुट सम फिगर दैट इज़ बिटवीन 1 एंड 11 और आई हैव टू पुट 0। सो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, देन आई सेव माई प्रेफरेंसेस। तो आपके सामने ये खुल जाएगा, 0 मींस ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री आई हैव सेलेक्टेड एज के मैंने वहाँ नहीं जाना। उसके बाद मेरी मैक्सोफेशियल में मेरी चॉइसेस ये हैं 1 और 2 जो है मेरी चॉइस ऑर्थोडोंटिक्स है, 3 पेरियोडोंटोलॉजी है, और उसके बाद ये मेरी 4, 5, 6, 7, 8 है, और ये मेरा 10 है। दिस इज़ माई चॉइसिस जो मैंने अभी लिखी थी। नाउ आई थिंक के इसमें से हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मुझे इसमें ये चॉइस पसंद नहीं आई, ये प्रेफरेंस, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो आई हैव ए ऑप्शन चेंज माई प्रेफरेंसेस, तो चेंज हो गए। अब चेंज पे आके मैं इसमें से ये सिलेक्ट करता हूँ कि हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 7 है और LRH में 6 है, तो आई चेंज इट, इसको मैं 7 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे दो यूनिट जो हैं 7-7 आ गए, तो मुझे कह रहा है कि चॉइस प्रेफरेंस इज ऑलरेडी सिलेक्टेड 7, प्लीज़ ऑप्ट अनदर, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनमें से 2 में से 1 मैं चेंज करूँगा, तो मैं जो है वो ये 7 किया है तो इसको मैं 6 कर दूँगा। और कोई और चेंज मैं देखता हूँ कि ये जो पेरिडोंटोलॉजी KCD है ये नहीं करना चाहता, तो इसको मैं ओपन कर दिया। थर्ड चॉइस मेरी फ्री हो गई है और इसको मैं 0 कर दिया, और उसकी जगह मैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स KCD को अपनी थर्ड चॉइस दे देता हूँ। यू कैन चेंज एनी नंबर एनी वेयर, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर लें और सेव कर लें इसे। तो ये दूसरी तरफ चला गया। नाउ ऑपरेटिव इज 0, पेरिडोंटोलॉजी इज 0, दैट मीन्स आई डोंट वांट टू गो देयर, चाहे मुझे कोई स्लॉट मिले या ना मिले, लेकिन इन दो जगहों पे मैंने नहीं जाना। बाकी मेरी फर्स्ट चॉइस जो है वो KCD और ओरोमैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, सेकंड चॉइस ऑर्थोडोंटिक्स है, थर्ड चॉइस प्रोस्टोडोंटिक्स आ गई, और इसके बाद ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेरी चॉइसेस है। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, देख लिया, नाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, आई वांट टू चेंज इट अगेन, सो आई कैन पुट चेंज, और फिर मैं इसको दोबारा से तरतीब देना शुरू कर देता हूँ कि ये जो है इसको 5 को मैं 7 कर देता हूँ, और 7 को मैं 5 कर देता हूँ। आई एम टेकिंग अ बिट सिंपल, लेकिन आप किसी भी तरह से इन नंबरों को चेंज कर सकते हैं, अपने पास अपने पेपर पर अपनी एक तरतीब बना लें, अपने प्रेफरेंस लिख लें क्या है, उस हिसाब से आप ये सारे नंबर चेंज कर सकते हैं। ये सारे चेंज करके आप इसको सेव कर लें। यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज 100 times और 1000 times वेन यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कि ये ठीक हो गए हैं। तो ये देखें, स्टेटमेंट है नीचे कि प्लीज़ सबमिट वंस यू फाइनलाइज योर प्रेफरेंसेस, दिस विल लॉक योर प्रेफरेंसेस एंड एन ईमेल विल बी सेंड टू योर ऑन योर प्रोवाइडेड ईमेल। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज और आल्टर चॉइसेस आफ्टर सबमिशन।
अभी तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ये सबमिट एंड लॉक माय प्रेफरेंसेस का बटन प्रेस करेंगे। आर यू श्योर टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस चॉइसेस? ओके, नाउ योर प्रेफरेंसेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस इज रिटर्न। वो से देख लें कि यही आपका ईमेल एड्रेस है। बाकियों के दो दो तीन तीन ईमेल एड्रेस होते हैं और यहाँ पे एक एड्रेस उन्होंने दिया होता है और वो चेक दूसरा ईमेल एड्रेस कर रहे होते हैं अपना और परेशान होते हैं कि हमें ईमेल नहीं आई। तो ओके, तो दिस इज डन। आप देखें यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई, योर प्रेफरेंसेस हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर नेम इज इंक्लूडेड इन स्लॉट एलोकेशन एज पर योर चॉइस एंड मेरिट, प्रेफरेंसेज आर लॉक्ड। और यही स्टेटमेंट नीचे भी लिखी हुई है। और अपने डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो आपके डैशबोर्ड पे भी ये स्टेटमेंट नज़र आ रही है। वो जो रेड अलर्ट था कि यू हैव नॉट सबमिटेड, वो ख़त्म हो गया है और उसकी जगह आपके पास ग्रीन मैसेज आ गया है कि यू हैव डन योर जॉब और उसमें आप आपका काम, यानी योर नेम इज़ इंक्लूडेड इन द स्लॉट एलोकेशन। एंड देन थिंग इज गो टू योर ईमेल एड्रेस। जब ईमेल में आप जाएंगे तो उसमें आपके पास PGMI प्रेफरेंसेस लॉक्ड की तरफ से एक ईमेल आई होगी। इसके अंदर आपको वो आपकी सारी जो है चॉइसेस वो आपके सामने लिखी हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपका जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये ईमेल आपके पास सेव है। अगर आपके पोर्टल में आपकी चॉइसेस कोई बदल जाएं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या कल आप कोर्ट में जाएं या हम कोर्ट में चले जाएं आपके अगेंस्ट, तो दिस ईमेल इज़ अ लीगल स्टैंडिंग कि आपकी ये चॉइसेस थी और इसी पे हम आपको बताएंगे कि जो आपकी चॉइसेस के मुताबिक ही आपको अलाटमेंट हुई है। तो ये आप संभाल के रखें और इसी के मुताबिक फिर आपने हमसे बात करनी होगी। और इसको ख़त्म कर लिया और इसके बाद आप साइन आउट ही रहे, आप लॉग आउट कर लें। और इसके बाद जब कभी आपको मौका आए और आप देखना चाहें, व्हाट्सएप पे करेंगे। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस सिलेक्शन में अगर आप फिर दोबारा जाएंगे तो आपकी वो जो सिलेक्शन है यू कैन व्यू दैट, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ईमेल में भी देख सकते हैं और आपके पास अवेलेबल रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद इसको हम लॉग आउट कर लेते हैं और एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, मेडिसिन एनालाइट की। बताएं रोल नंबर 1610116101 ये अब एक और एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है और इसकी स्पेशलिटी मेडिसिन एनालाइट है। मेडिसिन एनालाइट ज़रा इज ओनली वन जिसमें बहुत सारी चॉइसेस हैं और ये अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। तो दैट इज़ प्रेफरेंसेस सिलेक्शन पे आप जाएंगे और उसके बाद वही सिस्टम है,
इसमें आपके पास 1 to 59 ऑप्शन है एंड ज़ीरो इज़ देयर कि अगर आपने किसी स्लॉट को अलाट नहीं करना। दिस इज़ योर ओन चॉइस कि आप वन कहाँ लिखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेशलिटी से शुरू होते हैं, स्पेशलिटी में आप सबसे पहले हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, वन चॉइस है आपकी। उसके बाद लेकिन हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 यूनिट हैं तो आप उसमें 1, 2 और 3 ले लेते हैं। फिर आप की उसके बाद चॉइस ये है कि आप अयूब में जाना चाहते हैं, 4, 5 और 6 और 7। इसके बाद आपकी चॉइस है KTH 8, 9 10, 11। और KTH के बाद आप कहते हैं कि अगर ये मुझे स्पेशलिटी नहीं मिलती तो फिर मैं कौन सा नंबर का काम चलेगा, 11। तो फिर इसके बाद आप कहते हैं कि मैं तो जनरल मेडिसिन कर लेता हूँ। लेकिन जनरल मेडिसिन में जाने से पहले ये आपने ग्रुप बी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। इफ़ यू गेट स्लॉट इन ग्रुप की सिलेक्शन करनी है और ग्रुप का प्रिंसिपल लिखा हुआ है इफ़ यू गेट स्लॉट इन स्पेशलिटी। तो तरीका यह है कि पहले आपके मेरिट के मुताबिक ये तय होगा कि आपको स्पेशलिटी मिल सकती है या आपको स्पेशलिटी नहीं मिल सकती। अगर आपको स्पेशलिटी मिल जाती है तो देन सॉफ्टवेयर आपसे आपके ग्रुप को कंसिडर करता है। ग्रुप की ये है कि हमारे पास स्पेसिफिक स्लॉट्स हैं से अराउंड 100 स्लॉट्स हैं स्पेशलिटी की, उसमें से ग्रुप ए में हमारे पास से 60 स्लॉट्स हैं और ग्रुप बी में 40 स्लॉट्स हैं। तो होगा ये कि जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट चॉइस ग्रुप ए दी है, इफ़ दे आर मोर देन 60 तो फर्स्ट 60 जो हैं दे विल गेट द ग्रुप ए। तो से अगर 70 लोगों ने ग्रुप ए सेलेक्ट किया है तो 60 को तो ए मिल जाएगा टॉप मेरिट और बाकी 10 को ग्रुप बी मिल जाएगा। इसी तरह अगर ग्रुप बी ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया है और हमारे पास स्लॉट्स जितनी हैं उससे ज़्यादा लोग सेलेक्ट करेंगे तो टॉप मेरिट के लोगों को ग्रुप बी मिल जाएगा और बाकी जो होंगे उनको ग्रुप ए में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ग्रुप की सिलेक्शन स्पेशलिटी अलाटमेंट के बाद होगी। इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी है कि इफ़ यू गॉट स्लॉट इन स्पेशलिटी देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द ग्रुप। इफ़ यू गिव ग्रुप ए दैट मीन्स ग्रुप ए इज़ योर फर्स्ट चॉइस एंड ग्रुप बी इज़ योर सेकेंड चॉइस। ये मतलब नहीं है कि अगर ग्रुप ए नहीं मिलेगा तो आपको स्पेशलिटी से ही निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अब जनरल पे मैंने ये मेरी चॉइस ये है कि पेशावर के ये बड़े हॉस्पिटल्स में अगर मुझे ना मिले स्पेशलिटी तो फिर मैं जनरल प्रेफर कर लूँगा। तो जनरल में मैं ऐसे ही करूँगा कि 12, 13, 14 और उसके बाद रिटेनिंग हॉस्पिटल 15, 16, 17, 18 और फिर मैं चॉइसेस अयूब 19, 20, 21, 22 इज अयूब एंड देन 23, 24, 25, 26। ये मैंने कर दिया KTH तक। एंड फिर मेरी चॉइस ये है कि प्राइम हॉस्पिटल मैंने नहीं जाना, CMH मैंने नहीं जाना और इससे ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं CMH नौशहरा मैंने नहीं जाना, मर्दान मैंने कहाँ तक गए हमारे नंबर हो गया 27। मर्दान का मैं दे देता हूँ 27 और 28। सैदू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल
नहीं जाना चाहता मैं हो गया, तो ये जर्नल की मेरी चॉइसेस हो गई, इधर मैं नहीं जाना चाहता। और उसके बाद 26 हो गया हमारा, नहीं 27, 28 तक हमने चॉइसेस दे दी। अगर ये भी मुझे नहीं मिलती तो देन माय सेकंड चॉइस इज पीडियाट्रिक्स 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 में आ गया। तो कौन सा नंबर है? 29। थर्टी। तो बार यू कैन गिव एनी वे, सैदू गुरु सैदू मैं नहीं, दूसरे वार्ड में नहीं जाना चाहता। 31, 32, 33, 34, 35, पीडियाट्रिक अयूब में नहीं करना चाहता, केटीएच में नहीं करना चाहता, और प्राइम हॉस्पिटल में नहीं करना चाहता। उसके बाद आ जाएगा इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन में कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, यू कैन गो ऑन एनओसी। फिजिशियन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में अगर स्लॉट अभी नहीं है, इसमें अवेलेबल है, आ जाएगा, आप जब देखेंगे तो इसमें स्लॉट अवेलेबल है। रेडियोथेरेपी में, इरनम बिशावर में स्लॉट है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। न्यूक्लियर मेडिसिन में स्लॉट है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। फॉरेंसिक मेडिसिन में स्लॉट है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तो ये मैंने सारा सारी सिलेक्शन कर ली, और आई कैन रिव्यू दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल मेडिसिन में मैंने ये जो चॉइसेस दिए थे वो मैंने देख लिए, और नाउ आई वांट टू सेव ओके कंप्लीट आर रिक्वायर्ड फील्ड। तो दैट मीन मैंने किसी जगह पे छोड़ दिया, किसी जगह पे छोड़ दिया। तो रिव्यू दैट, ये सारे स्लॉट्स मैंने फिल किए हुए हैं। मेडिसिन में ये देखें, ये दो स्लॉट्स छोड़ दिए, ये मुझे दिखा रहा है, ये मैंने नहीं जाना, ये नहीं जाना। और इसमें ये वाले स्लॉट मैंने छोड़ दिए थे, ये और इसके अलावा और ये ग्रुप मैंने छोड़ दिया था, ग्रुप उसने पॉइंट आउट कर दिया। तो होपफुली इट इज डन नाउ। यस, नाउ प्रेफरेंसेस आर सेव्ड, बट स्टिल आई हैव नॉट सबमिटेड इट। तो ये अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सामने हर स्पेशलिटी नज़र आ रही है कि आपने कैसे दिया है। सारे जीरो आउट हो गए हैं, और बाकी स्पेशलिटीज आपके सामने हैं जो आप करना चाहते हैं, और आप पीडियाट्रिक्स भी है, रेडियोथेरेपी, और जितने पॉसिबल हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। किसी नंबर को आप इसको आप 29 कर दें, और 29 को 0 कर दें, या एनी टाइप ऑफ चेंज यू वांट टू डू यू कैन डू, और उसके बाद फिर आप सेव कर लें। इसके बाद सब कुछ करके देन आपने अच्छी तरह रिव्यू कर लें, बेशक एक दिन फिल आप कर लें, फिर उसके बाद इंतज़ार कर लें, रात को सोच लें, और सुबह दोबारा इसको देख लें, और उसके बाद अगले दिन इसको सबमिट एंड लॉक योर प्रेफरेंसेस। ये आपसे एक दफ़ा फिर अलार्म दे रहा है, अलर्ट है कि आर यू श्योर टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस। सेकेंड वेबिनार 5:30 बजे, 5:30 चले।
ई विल नॉट सेंड प्लीज आई हैव बीन डिटेल्ड मैं कहती हूँ इसमें तो बहुत आता है तो देखिए मैसेज आ गया है कि आपके प्रेफरेंसेस लॉक नहीं हुए, तो ये भी ख्याल रखें बाद वक्त नेट का इशू आ जाता है और लॉक नहीं होते और आप कहते हैं बस मैंने कर लिया है और अल्टीमेटली आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अभी क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगा, थोड़ा वेट करें, इसके बाद आपके क्वेश्चंस भी मैं देख लूँगा। अच्छा ओके, मैं ख़ल में इस जो डाटा में इस पार्टिसिपेंट की ईमेल शायद ठीक नहीं है, तो इसको ईमेल नहीं जा रही। लेकिन आपको अगर कोई इशू आ जाए इस तरह का तो आप हेल्पलाइन अवेलेबल है, हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर लें। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होगी कि अगर हेल्पलाइन से भी आपका सोल्यूशन हल नहीं होता तो जो लास्ट डे ऑफ होगा आपका, उस दिन हम आपको ये ऑप्शन भी देंगे कि अगर आपका किसी तरह भी प्रेफरेंसेस लॉक नहीं हो रहे तो आप PGMI आ जाएं अपने प्रेफरेंसेस साथ लेके, और आपके प्रेफरेंसेस यहाँ पे लॉक कर लिए जाएंगे। दूसरा बताएं। ओके, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, दिस इज फ्रॉम सर्जिन लाइट। इसके प्रेफरेंसेस में आपके पास जनरल सर्जरी है, जनरल सर्जरी में जो भी मेरी चॉइस है उसको मैं फिलअप करता हूँ।
स्पेशलिटी मेरे मेरा मेरा वो है कि मैंने जनरल में ही जाना है, स्पेशलिटी में नहीं जाना। और मेरा मेरिट भी बहुत अच्छा है, अपने मेरिट के हिसाब से भी आप देख लें कि इतने स्लॉट्स आप सेलेक्ट करें जिनका बहुत अच्छा मेरिट है, दे कैन सेलेक्ट लेस, बाकी सब में वो ज़ीरो लिख दें, लेकिन जिनका मेरिट लो है तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा स्लॉट्स सेलेक्ट करें। इमरजेंसी मेडिसिन की स्लॉट्स नहीं है, रेडियोथेरेपी में भी आप जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। एडवांस मेडिसिन में जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तो आई कैन सेव माई प्रेफरेंसेस। अच्छा, इसमें भी सारे फील्ड करने हैं, जो मोस्टली फील्ड रह जाता है वो ये सर्जिकल स्पेशलिटी में ग्रुप रह जाता है। मैं ग्रुप बी करना चाहता हूँ। चेंज कर लेते हैं। ये प्रेफरेंसेस जो हैं वो सेव हो गए। मैं फिर चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कर लिए, दोबारा सेव कर लिए और इसके बाद सबमिट। जी बोलिए। हाँ जी, नेक्स्ट सॉरी फॉर इंटरप्शन, कनेक्ट हो गए हैं। तो ये सेव कर लिए हमने। बात सुनो, ये अनस्टेबल आ रहा है। आप प्लीज बी कनेक्टेड,
थोड़ा सा इशू है नेट पे, वो चेक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं 1-2 मिनट में इंशाल्लाह। वापस से किसी को लॉक करके देखें। चलें, प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो ये लॉक हो गए। ठीक है, नेट का थोड़ा सा इशू था, तो बी केयरफुल, हमारे मुल्क में नेट का इश्यूज चलते रहते हैं, तो अगर ऐसी कोई बात हो थोड़ा सा वेट कर लें, और कल जब ये पोर्टल खुल जाए तो कल आप इस प्रोसेस को देख लें, अच्छी तरह से कर लें, और परसों सुबह इसको लॉक कर लें, आखिरी दिन पे ना छोड़ें। ये फिर भी ओपन फॉर 3 डेज, दैट इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को ये बंद हो जाएगा पोर्टल। अभी आप ईमेल पे हम आ गए, और ये ईमेल को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये दूसरे वाले जो अभी मैंने लॉक किए हैं, ये वो प्रेफरेंसेस हैं जनरल सर्विस के, तो सब प्रेफरेंसेस एक तरतीब के साथ नज़र आ रहे हैं। तो दैट्स अबाउट द प्रेफरेंसेस, और अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि जब आप प्रेफरेंसेस लॉक कर लेंगे उसके बाद स्लॉट एलोकेशन होगी, तो स्लॉट एलोकेशन में आपको तो इसमें आपके पास ना, जब आपको स्लॉट अलॉट होगा, जब आपको स्लॉट अलाट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपके पोर्टल पे ना ये वाली सूरत है। हालांकि ये पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली पिक्चर आपके उस पर आएगी। ये स्टेज पे आप होंगे, योर प्रेफरेंस हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, उसके बाद अलाटेड स्लॉट डिटेल, सेशन जनवरी 2022, हॉस्पिटल यूनिट और स्पेशलिटी आपको अलाट हो गई। जब अलाट हो जाएगी तो ये एक बटन ये होगा, और इस बटन पे लिखा हुआ है कि आई सरेंडर द अलाटेड स्लॉट एंड अंडरस्टैंड दैट बाई डूइंग सो माई नेम विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडक्शन प्रोसेस एंड आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट इंडक्शन। अब इस तरह है कि कुछ लोग स्लॉट सरेंडर करेंगे, जब वो सरेंडर करेंगे तो दे विल बी आउट ऑफ द एलोकेशन प्रोसेस एंड वो किधर चले जाएंगे, वो लेफ्ट ओवर हो जाएंगे। जो लोग बाकी लोग होंगे, स्लॉट एलोकेशन उनके लिए दोबारा होगी, तो क्या होगा कि जो लोग नीचे हैं यानी लेफ्ट ओवर हैं, वो उनको मिल जाएगा। जो डी ए खान में है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएगा, और डी ए खान से शायद सैदू में या मर्दान में आ जाए, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जो लोग सरेंडर करेंगे दे विल बी आउट ऑफ द स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस, तो उसके बाद वो लेफ्ट ओवर में चले जाएंगे। इसके लिए आपको वेबसाइट के ऊपर बकायदा टाइम एलोकेट अनाउंस होगा, यू विल बी गिवन 24 आवर्स आर सो, उसको आपने फॉलो करना है। अगर उस टाइम के बाद आप सरेंडर करेंगे तो फिर आप
लेफ्ट ओवर नहीं होंगे, आपका स्लॉट सरेंडर हो जाएगा, लेकिन आप लेफ्ट ओवर में भी शुमार नहीं होंगे, आपको ना इस इंडक्शन में स्लॉट मिलेगा ना अगले इंडक्शन में मिलेगा। तो सरेंडर की ऑप्शन आपने उस विद इन टाइम ही यूज़ करनी है, उसके बाद फिर यूज़ नहीं करनी। और सरेंडर करने के बाद फिर आप वेट करेंगे, आपके पास वो सारी ऑप्शंस खुली हैं जो लेफ्ट ओवर्स को हैं, यानी जो नए स्लॉट रिकग्नाइज होंगे या अवेलेबल होंगे, आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे, या आप NOC बेस्ड इंडक्शन एज़ पर पॉलिसी आप ले सकेंगे, और वो सारी बातें आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन जिन लोगों को स्लॉट अलाट हो जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू टेक NOC बेस इंडक्शन की। स्लॉट अलाट हो गया, दैट इज़ फिनिश, उनको फिर उसी स्लॉट पे अराइवल देनी होगी, या सरेंडर कर लें। सरेंडर कर लें तो दे विल बी इन द लेफ्ट ओवर्स। और एक दूसरी पिक्चर है, ये थोड़ी सी इसको डिलीटेड समझा जाए, स्लॉट अलाटेड डिटेल जो है वो नहीं होगी। जिन लोगों को स्लॉट अलाट नहीं होगा, उनकी यहाँ कोई डिटेल नहीं होगी, लेकिन उनके यहाँ उनके पोर्ट डैशबोर्ड पे ये बटन होगा नो इंटरेस्ट। इसका फंक्शन ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई अंडरस्टैंड दैट बाई डूइंग सो माई नेम विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंडक्शन प्रोसेस। तो जब स्लॉट अलाट होगा तो उसके बाद आपको सरेंडर का टाइम मिलेगा, फिर स्लॉट एलोकेशन हो जाएगी, तो लोगों को फिर थोड़ा सा टाइम देंगे कि वो स्लॉट सरेंडर कर लें, उसके बाद फिर फाइनल स्लॉट एलोकेशन होगी। कुछ लोगों को जो स्लॉट्स वेकेट करते हैं, से ज़्यादा जो लोग स्लॉट वेकेट कर होती हैं वो DI खान में, पेरिफ्री में या CMH में किसी जगह होती हैं, और बाकी ऊपर जो स्लॉट खाली होती हैं वो उन्हीं लोगों को मिल जाती हैं जो कि जिनको पहले स्लॉट अलाट हुए होते हैं। तो दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लें कि आपको जो लेफ्ट ओवर हैं इनको वही स्लॉट मिलनी है जो बिल्कुल बॉटम पे है। चाहे ऊपर 10 स्लॉट्स खाली हो जाएं HMC में, तो वो उन लोगों को मिलेंगी जो उनसे ऊपर मेरिट के हैं। उनको बहरहाल वही जो आखिरी 10 स्लॉट्स हैं, जिसमें फिजिकल मेडिसिन होगा, जिसमें DI खान होगा, CMS की कोई स्लॉट होगी, वही मिलेगी। तो अगर उनका ये ख्याल है कि एक तो उनके पास फर्स्ट चॉइस थी कि वो अगर वो चाहते हैं DI खान नहीं जाना, उन्होंने उन्होंने फिजिकल मेडिसिन में नहीं जाना, तो वो वहाँ ज़ीरो लिख देते। उन्होंने वहाँ ज़ीरो नहीं लिखा तो वो स्लॉट उनको मिल जाएगी, देन दे हैव टू टेक इट। लेकिन अगर इस स्टेज पे फिर एक छोट आपको थोड़ा सा मौका देंगे कि अगर आप समझते हैं कि एक दफ़ा आप गलती कर रहे थे, आपने ये स्लॉट लिख ली थी DI खान की, लेकिन अब आप लेना नहीं चाहते, तो यू कैन प्रेस दिस बटन। इसका मतलब ये होगा कि बस आपको स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस से आउट कर दिया जाएगा और आप लेफ्ट ओवर में शामिल हो जाएंगे। लेफ्ट ओवर की जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये नो इंटरेस्ट का बटन आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आप इसको भी यूज़ नहीं करते, आपने एक स्लॉट DI खान की या CMH की या नॉर्थ वेस्ट की या पीडियाट्रिक्स की, जो स्लॉट आपने कोई नंबर दे के अपनी चॉइस में दी हुई है, वो स्लॉट फिर आपको जब अलाट हो जाएगी तो फिर आप ये मत समझें कि उस स्लॉट पे आप अराइवल नहीं देंगे और आप लेफ्ट ओवर में शामिल हो जाएंगे। देन यू कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन लेफ्ट ओवर, यू कैन नॉट ऑप्ट NOC बेस इंडक्शन, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द नेक्स्ट इंडक्शन। तो ये दो चीज़ें आपको उसके बाद की भी हैं। एंड कीप एन आई ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर आपको टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें टाइम लाइन जो है उसके ऊपर हम देते रहेंगे। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन भी मैं शॉर्टली उसके ऊपर आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और ये जो हमारा आज का वेबिनार है, ये भी अभी PGMI पिशावर के नाम से यूट्यूब चैनल है, और उसके ऊपर आप को अपलोड कर देंगे, आप उसे दोबारा भी देख सकते हैं। अब आते हैं कुछ आपके क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले एक दो बातें आपको बता दूं कि NOC बेस इंडक्शन जो है वो इट्स वेरी क्लियर पॉलिसी जो आपकी इंडक्शन पॉलिसी में लिखी हुई है कि किन किन स्पेशलिटीज़ में आप NOC बेस इंडक्शन ले सकते हैं, और उन पॉलि उसके मुताबिक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्पेशलिटीज़ में अलाउड नहीं है उसमें आपको NOC नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि जिन स्पेशलिटीज़ में NOC अलाउड है
अगर उसकी कोई स्लॉट केपी की हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर खाली रह जाती है तो देन यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनओसी बेस्ड इंडक्शन, बल्कि आपको उसी स्पेशलिटी में केपी में स्लॉट ऑफर की जाएगी। एनओसी सिर्फ उस सूरत में ही दिया जाएगा जबकि हमारी अपनी स्लॉट्स फिल अप हो जाएंगी। तो इन दो बातों का आप ख्याल रखें, और बाकी डिसेबल कोटा है, आर्मी स्पाउस कोटा है, उनके अपनी स्लॉट्स हैं वो उनको मिल जाएंगी। डिसेबल कोटा का हम जो है जो स्लॉट्स हैं वो मेरिट लिस्ट में ऐड ऑन कर देंगे और उस हिसाब से उनको फिर अब स्लॉट्स अलाट होंगी। ये आर्मी स्पाउस कोटा है या डिसेबल कोटा है या माइनॉरिटी कोटा है, इन सब को का तरीका यही है कि जो लोग आर्मी स्पाउस कोटा में 5 लोगों को हमने देना है तो जो टॉप 5 लोग हैं उनको हम अपने मेरिट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। डिसेबल कोटा में ये है कि जिन लोगों जो डिसेबल लोग ओपन मेरिट पे, एवरी डिसेबल इज़ इंक्लूडेड इन ओपन मेरिट, तो ओपन मेरिट पे अगर उनको मिल जाता है तो वेल फिर तो बात ख़त्म हो गई। जो लोग लेफ्ट ओवर में होंगे उनमें से दो लोगों को मेडिसिन में, और मेडिसिन मींस एमबीबीएस स्पेशलिटीज में, और एक बीडीएस डेंटिस्ट्री में, एक को हम उसमें डिसेबल कोटा की में पिकअप करेंगे और उनको पिक करके उनका नाम मेरिट लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन चूंकि उनका उनका मेरिट लिस्ट में नंबर ज़ाहिर है तमाम लोगों से नीचे होगा तो वो बॉटम पे ही होंगे, उनको बॉटम पे वो नंबर अलाट हो जाएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेडिसिन एलाइड में हमारे पास से 300 स्लॉट्स हैं। मेडिसिन एलाइड में एक डिसेबल कोटा एप्लीकेंट है, उसका जनरल मेरिट ओपन मेरिट में नहीं होता, तो उसको हम उठा के मेडिसिन के 300 नंबर पे उसको फिक्स कर देंगे। अब ऐसे होगा कि मेडिसिन का जो 300 नंबर है वो उसको अलाट हो जाएगा। अब उसने अगर चॉइस दी है तो उस चॉइस के मुताबिक उसको स्लॉट अलाट हो जाएगा, लेकिन अगर उसने जो चॉइस दी है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है जब उसका नंबर आता है तो फिर उसको कोई स्लॉट अलाट नहीं होगी, तो वो लेफ़्ट ओवर में चला जाएगा। फिर जब लेफ़्ट ओवर में वो चला जाएगा तो उसके बाद कोई नई स्लॉट्स आएंगी तो उसका मेरिट नंबर फिक्स रहेगा जो कि 300 है, तो 300 से ऊपर वाले जो लोग होंगे से उसमें से 290 लोगों को तो स्लॉट अलाट हो चुके होंगे, से 10 और भी लोग हैं जिन्होंने वो लिया हुआ है लेफ्ट ओवर हैं वो लोग, और ये होंगे तो इसका उनका किसी का नंबर 290 होगा, किसी का 291 होगा, इसका 300 होगा। तो वो जितने स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो HMC का स्लॉट हो, चाहे वो KTH का स्लॉट हो, जो बाद में लोग ज्वाइन नहीं करते तो वो खाली हो जाते हैं, तो वो स्लॉट्स इन सब लेफ्ट ओवर्स को अवेलेबल होंगे। तो डिसेबल कोटा माइनॉरिटी कोटा का जो मेरिट नंबर है वो चेंज नहीं होगा, वो 300 पे था अब 300 पे ही रहेगा, तो 300 पे उसको शायद जो भी स्लॉट मिलेगा वो मिल जाएगा। तो मतलब ये कि डिसेबल कोटा हमेशा बॉटम पे नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट लिस्ट में वो कोटा से जो है वो बॉटम पे होंगे, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते रहेंगे। क्वेश्चंस आपने नोट किए, ज़रा देख लें जो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आया है कि जो जो लोग पोस्ट आई एम अप्लाई कर रहे हैं, तो यस मैं आपको अभी बताना चाहता था कि ये जो सारा सिस्टम है ये प्री IMM सिलेक्शन के लिए है। जिन्होंने प्री IMM जो है पार्शल ट्रेनिंग की हुई है वो सारे के सारे इसी में ही आएंगे, लेकिन जिन्होंने प्री IMM ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है उन लोगों के लिए इज़ ए डिफरेंट रूट, उनको इसमें अप्लाई नहीं करना, ठीक है। वो जब अप्लाई नहीं करेंगे तो वो लेफ्ट ओवर रह जाएंगे,
उनके लिए चूंकि पोस्ट टाइमम स्लॉट्स हैं, तो पोस्ट टाइमम स्लॉट्स अलहदा से हम उनके लिए अनाउंस करेंगे, वेबसाइट देखते रहें। मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर ए वीक और 10 डेज हम पोस्ट टाइमम स्लॉट्स अनाउंस कर देंगे। तो पोस्ट टाइमम स्लॉट्स जब अनाउंस हों तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको हम फिज़िकली रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएं, और वो चंद एक लोग होते हैं उनको हम वहाँ पे जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उसकी सिलेक्शन कर लेंगे। तो वो पोस्ट टाइमम स्लॉट्स इसमें आपको अवेलेबल नहीं है। आपने देखा जितने मैंने आपको पोर्टल दिखाया है उसमें पोस्ट टाइमम स्लॉट कोई भी विजिबल नहीं है, तो यू आर नॉट इन्वाइटेड। अच्छा, अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। आमिना मलिक हैज रेज द हैंड, आप जो क्वेश्चंस करना चाहती हैं कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, आमिना मलिक। वालेकुम सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि लाइक अभी मैंने सर्जरी और एलाइड के लिए एग्जाम दिया, और अगर मैं अपना ग्रुप बी के लिए सिलेक्शन करती हूँ फॉर एग्जांपल पीट सर्जरी के लिए, और वो केटीएच में प्रेफरेंस करती हूँ, तो जो फर्स्ट टू इयर्स है। हाँ जी, पोस्ट आईएमएम सिलेक्शन अभी आपने नहीं करनी, आपने सिर्फ प्री आईएमएम सिलेक्शन करनी है। प्री आईएमएम 2 इयर्स आपने जो जनरल सर्जरी में करनी है आपने उसकी सिलेक्शन करनी है, और वो आपको मिल जाएंगे चाहे केटीएच में या जो आपकी सिलेक्शन और मेरिट होगा। उसके बाद पोस्ट आईएमएम के लिए आपको दोबारा सिलेक्शन करनी होगी, और वो उस वक्त डिसाइड होगा कि आपको पीठ सर्जरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन योर मेरिट एट दैट टाइम। अच्छा, अभी हम जो सिलेक्शन करेंगे वो जनरल सर्जरी के लिए ही करेंगे या ये स्पेशलिटी के लिए है? नहीं नहीं, देखें आपने सिलेक्शन, अगर आप जनरल सर्जरी में जाना चाहती हैं तो आप जनरल सर्जरी सिलेक्ट करेंगे, अगर आप स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं तो आप स्पेशलिटी की स्लॉट सिलेक्ट करेंगे। स्पेशलिटी की स्लॉट का मतलब ये है कि दिस स्लॉट इज इन जनरल सर्जरी, दैट इज यूनिट ए जनरल सर्जरी केटीएच, बट इट्स अ स्पेशलिटी स्लॉट। दोनों जाएंगे तो जनरल सर्जरी में, लेकिन जो एज ए स्पेशलिटी ट्रेनिंग जाएगा 2 साल के बाद मूव करेगा स्पेशलिटी में, और जो जनरल सर्जरी आएगा तो वो मूव नहीं करेगा। पोर्टल में आपने देखा ना, और ये बाद में जो सब स्पेशलिटी होगी वो आईएमएम के बाद सिलेक्ट करनी होगी हमें। बिल्कुल, लेकिन आपने देखा कि पोर्टल में 2 स्लॉट्स अलग अलग हैं, केटीएच यूनिट 2 स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट जनरल सर्जरी का है। तो अगर आप जनरल सर्जरी सिलेक्ट करेंगे तो आप फिर 4 साल वहीं रहेंगे। लेकिन अगर उसमें आपने स्पेशलिटी सिलेक्ट किया तो फिर आप उसमें 2 साल रहेंगे एंड देन मूव टू स्पेशलिटी। प्लीज बी केयरफुल, ये पहले भी लोगों ने गलती की है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया कि लोगों ने गलती की है, और बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने, हमारे कोलीग्स हैं, डॉक्टर हैं, उनके बच्चों ने भी ये गलती की, सीनियर डॉक्टर सुपरवाइज़र हैं खुद, और ये गलती की कि जाना स्पेशलिटी में था कार्डियोलॉजी में और सिलेक्शन की जनरल मेडिसिन, सो दे कैन नॉट गो देन। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, सादिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये आर्मी स्पाउस कोटा का आपने सिर्फ मेडिसिन एंड एलाइड आपने कहा शुरू की 5 सीट्स हम अलॉट करेंगे, तो एमबीबीएस की सीट तो 7, एमबीबीएस एमबीबीएस की टोटल एमबीबीएस की तो 7 सीट्स है ना सर? 5 तो नहीं, मैंने शायद गलती से 5 का, सॉरी 7 स्लॉट्स, आर्मी स्पाउस के 7 स्लॉट्स हैं और 1 इन डेंटिस्ट। ठीक है ठीक है। तो सर ये फिर अगर कोई 8th पे मेरिट पे स्टैंड कर रहा है 8th नंबर पे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका फिर फर्स्ट रिजर्व में आ जाएगा इसी में या फिर उसको? प्रोबेबिलिटी नहीं है, डिपेंड्स कि अगर किसी ने ड्रॉप आउट हो गया तो उसको मिल जाएगी, लेकिन बट देन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। फॉर एग्जांपल आपका है मेडिसिन और जो ड्रॉप आउट होता है वो गायनी से ड्रॉप आउट होता है, तो फिर हम आपको तो वो स्लॉट गायनी के स्लॉट तो आपको ऑफर नहीं कर सकते। सर ये यही थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक्चुअली सर्जरी एंड एलाइड में तो गायनी आता है। बिल्कुल है, तो अगर सर्जरी एंड एलाइड का जी जी इसका कोई हल नहीं है। तो सर अगर गायनी में मैं फर्स्ट मेरिट पे हूँ तो ऐसा हो सकता है कि इंडक्शन में पूरी ही आप अगर 7 सीट्स लेंगे तो वो मेडिसिन एंड एलाइड को चली जाए, ऑप्थल्मोलॉजी को चली जाए, गायनी की कोई सीट ही ना जाए?
हाँ बिल्कुल, आपका आपस में मेरिट है ना, आप 20 लोग हैं, तो तो सर उसमें से सर्जरी जो और मेडिसिन टॉप, का आपस में कंपटीशन है, मतलब सर्जरी नहीं, अलाइड और मेडिसिन अलाइड भी है? एमबीबीएस का आपस में कंपटीशन है, और बीडीएस का आपस में, बीडीएस का टॉप एक बंदा लेना है, हमने एमबीबीएस के 7 टॉप को ले लेना है, फिर उनकी जो जो ठीक है स्पेशलिटी है वो अपनी अपनी ठीक है स्पेशलिटी में अपने अपने मेरिट पे जाएंगे। फॉर ठीक एग्जाम्पल, है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है कि आप 5 लोग आपके आ गए, जी। 7 लोग, 7 लोगों में से एक से मेडिसिन एनालाइट का है, लेकिन वो टॉप पे है, लेकिन मेडिसिन एनालाइट के अंदर उसका मेरिट इतना लो है कि मेडिसिन एनालाइट की सारे स्लॉट्स ख़त्म हो गए और उसको कोई स्लॉट नहीं मिला, तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो उसको स्लॉट नहीं मिलेगा, ओके लेकिन गायनी की जो 7th नंबर पे है तो उसको जी स्लॉट इसलिए जी मिल जाएगा, 8th नंबर पे जो गायनी की है उसको इसलिए मिल जाएगा कि गायनी में स्लॉट्स अवेलेबल थे, तो उसको मिल ठीक है। जाएगा। तो तो सर ये आप कह रहे हैं कि ओवरऑल जो मैरिट इस वक्त ओपन मैरिट में चल रहा है, जो ओवरऑल गायनी का मैरिट है, उससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट मैरिट यहाँ इस कोटा पे फर्स्ट है, तो उधर फिर क्या कंपैरेटिवली मैरिट चल रहा है, तो हाँ, उस बट इट्स अ बिट प्रोबेबिलिटी पे होगा। कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त, तो मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम कम है, इसके बाद ठीक है दूसरा वेबिनार है ठीक है सर 5:30 पे, जी लेकिन अगर जी आपको पूरी तरह वो हमें समझ है, हमने करना है कर देंगे, अगर समझ ना हो तो ऑफिस आ ठीक जाएं तो मैं फिर आपको समझा दूंगा। ठीक ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? सारा खान? सलाम अलैकुम सर, मेरा ये जी क्वेश्चन था आपसे कि अगर एक हमें सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, और विद इन 24 आवर्स मैं उस सीट को सरेंडर कर देती हूँ, तो आई वुड बी एलिजिबल टू गिव नेक्स्ट इंडक्शन टेस्ट जो कि जून में होगा, और यस, आई वुड बिल्कुल बी बिल्कुल बिल्कुल, बट डोंट ठीक से है 24 आवर्स, डोंट ठीक यूज है दिस वर्ड इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम स्पेसिफाई किया जाएगा उसको आपने ठीक है फॉलो ठीक करना है। है, दैट मे बी तो लेस सर देन फिर वो, 24 आवर्स। तो फिर सर वो लेफ्ट ओवर्स का जो आप कह रहे थे कि यू वुड बी इन लेफ्ट ओवर, तो वो क्या हिसाब होगा फिर, लेफ्ट वो इससे ओवर अलग चीज है? देखें, नहीं, देखिए ना, जब आपको स्लॉट से आप सरेंडर कर लेंगे तो यू विल बी इन लेफ्ट ओवर, और जितने लेफ्ट ठीक है ओवर्स हैं दे कैन अप्लाई जी फॉर द नेक्स्ट इंडक्शन ना, ओके लेफ्ट ओवर्स ओके ओके आर थैंक यू अलाउ, लेफ्ट ओवर आर अलाउड टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट इंडक्शन एंड दे आर जी अलाउड टू जी गो ऑन एनओसीबीएस इंडक्शन एंड दे आर एलिजिबल फॉर एनी स्लॉट विच कम्स आफ्टर द स्लॉट एलोकेशन, नए स्लॉट जो अवेलेबल होंगे वो उस पर भी अप्लाई कर सकेंगे। The thing is they can apply for the next induction test which will be in ऑफकोर्स after ऑफकोर्स 6 months. ऑफकोर्स, Okay, उसके तो कर thank you so सकते much. हैं। Thank you. अच्छा, आपके क्वेश्चंस जी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास बस 10 मिनट हैं, लेकिन हेल्पलाइन पे, अच्छा, जो कोई अगर प्रॉब्लम हो हेल्पलाइन अवेलेबल है उस पे आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जब मैं अपडेट दूंगा उसके अंदर एक दिन आपका फिक्स करेंगे, जिस दिन आप यहाँ आकर भी अपने फाइनली अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन होपफुली लास्ट 2 इंडक्शंस में जो दिन मैं इसके लिए हम रखते हैं पीजीएमआई आने का, हार्डली उसमें 3-4 लोग ही आते रहे हैं, तो आई होप सो कि आप तो और भी मैच्योर होंगे, अब तो थर्ड इंडक्शन हो रही है, लेकिन जो पहली इंडक्शन थी फिर दूसरी थी, तो 4-5 4-5 से ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो होपफुली यू विल बी एबल टू डू इट, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं होता। ग्रुप का मैंने आपको बता दिया है कि ग्रुप जो है वो बिल्कुल ऐसे अलाट होता है, पहले आपको स्पेशलिटी अलाट होती है, उसके बाद आपको ग्रुप अलाट होता है, अगर आपको स्पेशलिटी मिल गई तो आपको फिर एक ग्रुप ज़रूर मिलेगा, आप खुद अपना अंदाज़ा कर लें। और ये देखें गेम इसी तरह चलती है, मसलन 2 स्टेजेस हैं, पहला है जनरल और स्पेशलिटी का, रादर 3 स्टेजेस हैं, पहला है जनरल और स्पेशलिटी का, पहले फैसला होगा कि आपको जनरल और स्पेशलिटी में से क्या मिलता है, जब स्पेशलिटी मिल जाएगा तो फिर सेकेंड स्टेज पर आपको ग्रुप अलाट होगा, अगर आप ग्रुप ए होता है या बी होता है वो आपके मेरिट पे डिपेंड करेगा, एंड देन इज अ थर्ड स्टेज से आपने ग्रुप बी ले लिया तो
तो ग्रुप बी में अब आपके वो स्पेशलिटी मिलनी है, तो शायद आपका एम तो कार्डियोलॉजी क्या है, लेकिन अगर आपका मेरिट कम है तो आपके लिए सिर्फ मेडिकल ऑन्कोलॉजी रह जाएगी, तो देन यू हैव टू ऑप्ट दैट। फिर आपको ये अलाउड नहीं होगा कि आप जनरल में जाएं। तो इसलिए आप अपने, ये सारी कैलकुलेशन की गेम है, आप अपने देख के सोच के और उसके मुताबिक ही अप्लाई करें। तो तीन स्टेजेज हैं, फर्स्ट स्टेज पे आपको जनरल और स्पेशलिटी अलाट होगी, सेकंड स्टेज पे स्पेशलिटी वालों को ग्रुप अलाट होगा और उसमें फिक्स नंबर हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के, तो मेरिट पे वो अलाट हो जाएंगे। उसके बाद हर ग्रुप में फिर स्पेशलिटीज़ हैं चार चार या पांच, और वो अलाट होंगी और वो फिर मेरिट पे होंगी। तो अभी से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। व्हाट अबाउट सेक्रेटरी, इफ आई वॉन्ट टू अवेल एन ओ सी बेस्ड इंडक्शन, विल देयर बी एनी ऑप्शन प्रेफरेंस, आई हैव टू गिव प्रेफरेंस इन। अगर आपने एन ओ सी बेस पे जाना है तो आप यू मस्ट आप प्रेफरेंसेस दें, क्योंकि जो सेक्रेटरी की बात है तो सेक्रेटरी में आई कैन टेल यू कि सेक्रेटरी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल, तो सेक्रेटरी में कोई एन ओ सी अलाउड नहीं होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि एन ओ सी अलाउड जो होगा वो सिर्फ इमरजेंसी मेडिसिन में होगा, रेडियोथेरेपी में होगा, न्यूक्लियर मेडिसिन में होगा, और आप लिस्ट देख लें तो उस लिस्ट में बस यही है जिसमें हमारे पास स्लॉट्स नहीं है। आई है, ई एन टी है, उसमें स्लॉट्स हैं, साइकेट्री में स्लॉट्स हैं, एनेस्थीसिया में स्लॉट्स हैं, तो वो अगरचे अनइनहेबिटेड हैं उसमें एन ओ सी अलाउड है, लेकिन चूंकि स्लॉट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं इसलिए वो एन ओ सी अलाउड नहीं होगा। और जो एनओसी लेना चाह एनओसी पे जाना चाहता है, ही मस्ट फर्स्ट ट्राई द सीट अवेलेबल इन द एफिलिएटेड हॉस्पिटल। अगर उसको स्लॉट ना मिले तो फिर एनओसी पे चला जाए, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट स्लॉट नहीं देगा यहाँ पे, से जैसे सेक्रेटरी है वो कहता है नहीं मैं एनओसी पे जाना चाहता हूँ, इधर कोई स्लॉट नहीं देता, हालांकि यहाँ की बेस्ट स्लॉट से एचएमसी की है, वो नहीं देता, तो उससे लोअर मेरिट के लोग एचएमसी की स्लॉट ले लेंगे, केटीएच की ले लेंगे, और उसके बाद एलआरएच की ले लेंगे। तो अब उसकी चॉइस के लिहाज से एचएमसी पर गुड चॉइस, वह एतबाद में रहता है, लेकिन अब उसको एचएमसी की स्लॉट फिलअप हो चुकी होंगी, वो एनओसी लेके आएगा कि जी मैंने जाना है सेक्रेटरी में इस्लामाबाद में, लेकिन हम उसको बताएंगे कि एलआरएच की चूंकि चार स्लॉट्स खाली हैं, तीन स्लॉट्स खाली हैं, तो यू हैव टू गो टू एलआरएच। तो ये एक इशू है कि जो लोगों ने प्री फिक्स किया होता है ना कि मैंने एनओसी पे इस्लामाबाद ही जाना है, तो दे आर एट रिस्क, उनको शायद फिर बॉटम पे स्लॉट मिले। तो हम उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो हमारी एफिलिएटेड स्लॉट के लिए अटेम्प्ट करते हैं, बट दे कुड नॉट गेट इट एंड देन वी अलाउ देम टू गो एनओसी। अच्छा, ग्रुप का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सम बाबर अली आस्क, कैन वी सिलेक्ट बोथ जनरल एंड स्पेशलिटी इन सेम वार्ड इन सेम हॉस्पिटल? यस ऑफ कोर्स, आपके पास दोनों अलहदा अलहदा यूनिट हैं, तो आप जनरल, अगर आप जनरल आपकी चॉइस है तो उसी यूनिट में आप जनरल भी सिलेक्ट कर लें, उसी यूनिट में आप स्पेशलिटी सेलेक्ट कर लें, जो आपको जो आपके मेरिट के मुताबिक होगा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका ये मतलब है स्पेशलिटी से कि पोस्ट आईएमएम स्पेशलिटी, तो दैट इज़ सो सिंपल कि पोस्ट आईएमएम स्पेशलिटी तो उस वार्ड में होती नहीं है ना, जनरल में तो नहीं होती। पोस्ट आईएमएम स्पेशलिटी तो फिर आपने मूव करना होता है स्पेशलिटी यूनिट में। कार्डिक सर्जरी के लिए एनओसी बेस्ड इंडक्शन का इधर कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हम पोस्ट टाइम एंड स्पेशलिटीज को यहाँ से वो नहीं कर रहे, वो इसके बाद जो वेबिनार है अभी 5:30 पे, उसमें मैं उस बारे में फिर बात करेंगे। ये अच्छा, ये इन्होंने लिखा है कि अगर मेरी अपर मेरिट वाले हॉस्पिटल में इंडक्शन हो सकती हो और मैं उससे उससे नीचे मेरिट वाले हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ, तो मुझे वो ऑप्शन दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। आप सबसे पहले टॉप पे लिखें
डीआई खान को मेरिट अपनी चॉइस नंबर वन लिख दें, आप टॉप पे सैदू को वन वन नंबर दे दें, तो आपको चाहे आपका मेरिट नंबर एक हो, यानी आपके पास आपके एचएमसी की केटीएच की सारी चॉइसेस हैं, लेकिन जब आप लिख देंगे कि डीआई खान आपकी चॉइस नंबर वन है, तो यू विल स्ट्रेट अवे गेट द डीआई खान। अगर आपका इस बात से ये मतलब है कि मैं ले तो लूँ एचएमसी में और एचएमसी लेने के बाद अगले दिन मैं आ जाऊँगा पीजीएमआई में, मैं कहूँगा जी मैं एचएमसी नहीं लेना चाहता, मुझे डीआई खान भेज दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वंस द स्लॉट इज अलॉटेड, अलॉटेड मीन्स कि आपको टाइम दिया कोई सरेंडर का, आपने सरेंडर नहीं किया, स्टेप फॉरवर्ड आगे चला गया, उसके बाद आपको उसी स्लॉट पे जाना है, ना तो वो स्लॉट चेंज होगा, ना डाउन मेरिट ना अप मेरिट, वो स्लॉट चेंज नहीं होगा, इस इंडक्शन में भी चेंज नहीं होगा, अगली इंडक्शन में भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, उसमें फिर आप आएंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर जो भी उसमें आपको अवेलेबल स्लॉट होगा वो आप ले सकेंगे। ये फिर वही क्वेश्चन है कि अगर मैं हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लूँ और प्रेफरेंस में, और देन मैं उधर ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, तो उस कंडीशन में मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट होगा। यस बिल्कुल, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू ज्वाइन हिस्टोपैथोलॉजी ट्रेनिंग फोजी फॉर, नहीं, हिस्टोपैथोलॉजी में बिल्कुल एनओसी अलाउड है, लेकिन जब तक हमारे स्लॉट फिलअप ना हो जाए, ठीक है, यही पॉलिसी चलेगी। व्हाट इफ आई एम नॉट सेलेक्ट इन ग्रुप ए एंड डोंट वांट टू ग्रुप बी? मैंने आपको समझा दिया कि पहले जनरल और स्पेशलिटी का फैसला होगा, फिर स्पेशलिटी के लोगों में ग्रुप का फैसला होगा, और थर्ड स्टेज पे ग्रुप के अंदर स्पेशलिटी अलाट होगी। आप वापस नहीं जा सकते कि आखिर में जब आपको 2 साल बाद स्पेशलिटी अलाट हो और ग्रुप बी में, तो आपको कहा जाए कि आपका मेरिट आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डाल रहा है, तो आपके नहीं 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 फिर मैं ग्रुप बी नहीं लेना चाहता, मुझे ए में डाल दें, तो ए में आपको पसंद ना आए कि ए में मुझे तो कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे थे, मुझे वापस जनरल भेज दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहले जनरल स्पेशलिटी का फैसला होगा, उसके बाद फिर ग्रुप का फैसला होगा, उसके बाद फिर स्पेशलिटी का फैसला होगा। जब एक स्टेप से आप आगे चले जाएंगे, तो देन यू कैन नॉट गो बैक। यस ऑफ कोर्स, कैन एवरी वन गेट एनओसी फॉर अनइनहेबिटेड स्पेशलिटीज? यस एवरीबॉडी कैन गेट इफ द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल इन केपी, तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल हर कोई ले सकता है एनओसी, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि अगर वो एक लेगा या 10 लेंगे, कोई लिमिट नहीं है। जैसे इमरजेंसी मेडिसिन, अगर 5 लोग आ जाएं या 50 आ जाएं, सबको हम एंटरटेन करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जिन जिन स्पेशलिटीज़ को हमने इतना फ्री हैंड दिया हुआ है, बेसिकली उन स्पेशलिटीज़ में लोग जाते नहीं हैं या जा सकते नहीं हैं, इसलिए हमने फ्री हैंड दिया हुआ कि कहीं से भी एनओसी ले आए। सर अगर डेंटिस्ट्री में सिर्फ ऑर्थोडोंटिक्स, अच्छा डेंटिस्ट्री की एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि डेंटिस्ट्री में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एनओसी अलाउड नहीं था, इंडक्शन पॉलिसी में भी इसका जिक्र नहीं है, बट इन द लास्ट मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलाउड एनओसी इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एज वेल। डेंटिस्ट्री के एप्लीकेंट्स के लिए इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, यू कैन टेक एनओसी इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एज वेल, यानी डेंटिस्ट्री की तमाम स्पेशलिटीज में एनओसी अलाउड है। Why are you showing us dentistry? Show, अच्छा वो तो मैंने कर दिए, तो पुराने क्वेश्चन हैं, चलें। ओके थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली आई हैव टू स्टार्ट अनदर वेबिनार, तो कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप उसके हेल्पलाइन पे फिर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात हो।
तो एक दो मिनट है मेरे पास। ग्रुप ए ग्रुप बी की स्पेशलिटीज है वो आप सीपीएसपी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ब्रीफली आई समराइज, आपने पोर्टल कल खुल जाएगा, मे बी मिड डे तक ओपन हो जाए। उसके बाद आपने स्लॉट्स देने हैं, एटलीस्ट 3 डेज आपको देंगे। वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफाइड टाइम अनाउंस हो जाएगा, 3 दिन का आपने उस पर देना है। उसके बाद स्लॉट एलोकेशन होगी, स्लॉट एलोकेशन के बाद टाइम देंगे सरेंडर करने का, और नो इंटरेस्ट का भी बटन होगा। और उसके बाद फिर दोबारा री एलोकेशन होगी, जिसमें लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएंगे अपने स्लॉट्स पे। जो लोग सरेंडर करेंगे उनसे जो स्लॉट खाली होंगे उनसे बाद वाले लोगों को अलाट हो जाएंगी। उसके बाद फिर स्लॉट एलोकेशन सेकंड टाइम होगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम होगा, फ्यू आवर्स टू स्लॉट सरेंडर करने का। और लेकिन सेकंड टाइम जब स्लॉट सरेंडर करने का टाइम दिया जाएगा, उसमें सिर्फ वो लोग सरेंडर कर सकेंगे जिनको सेकेंड एलोकेशन में स्लॉट्स अलाट हुए होंगे। जिनको फर्स्ट एलोकेशन में स्लॉट अलाट हुए होंगे वो फर्स्ट 24 आवर्स या जो टाइम स्पेसिफाइड होगा उसके बाद वो स्लॉट सरेंडर नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे भी तो वो स्लॉट एलोकेशन में भी नहीं रहेंगे और वो बाद में नेक्स्ट इंडक्शन में भी नहीं आएंगे। बी केयरफुल। और उसके बाद सेकंड के एलोकेशन के बाद फाइनल स्लॉट एलोकेशन होगी, और फाइनल स्लॉट एलोकेशन में जिन लोगों को स्लॉट अलाट होगा दे विल नॉट बी गिवन द चांस टू सरेंडर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, सलाम अलैकुम।